चीन में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है और इसी महीने में दूसरी बार चीन में बाढ़ आई है। हैरानी की बात यह है कि बाढ़ से उन इलाकों पर कहर टूट रहा है जहां आज तक कभी बाढ़ नहीं आई। कुदरत का कहर 7 से ज्यादा शहरों पर टूटा है। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे चीन पर भारी है क्योंकि तेज बारिश की आशंका जताई गई है, यानी बारिश हुई तो बाढ़ से तबाही का दायरा कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। चीन में बाढ़ से कोहरा, पानी में समा गया पुल, लैंडस्लाइड से मचा हाहाकार, तिनके की तरफ बह गई कारें, शहर गांव सब बन गए दरिया। कुछ दिन पहले चीन के कई इलाकों में जबरदस्त बाढ़ आई थी जिससे चीन में काफी कोहरा मचा था। बाढ़ के बाद कई इलाकों में महामारी का खतरा बढ़ गया था जिससे निपटने के लिए तैयारी की जा रही थी। इसी बीच फिर से बाढ़ का संकट आ गया है। चीन के हेनान में कई गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। इसके अलावा शंघाई, शिमेन, योंगशुन और झेंगझियाजी शहरों में तेज बारिश से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। कुछ जगहों पर तो पानी घरों में जा घुसा है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो काफी डराने वाली है। फुजियान इलाके में फ्लड इमरजेंसी घोषित कर दी गई है क्योंकि बाढ़ बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। ये उसी लैंडस्लाइड का वीडियो है, देखिए कैसे पूरा का पूरा पहाड़ नदी में गिरने लगा। इसके अलावा एक इलाके में कारों के बहने की तस्वीरें सामने आई है। एक एक करके सैकड़ों कारें पानी में बहती चली गई। तेज बारिश से घरों में पानी भर गया, ऐसे में लोगों को रेस्क्यू किया गया। अभी भी हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन कुछ इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में चीन के कई इलाकों के पूरी तरह से डूबने का खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।